Hello friend, I am Sarika. Welcome back to my channel. Friend, today I will share you how to make an amazing and easy earring hanger. फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने घर में रखी हुई पुरानी चीजों को रीयूज करके एक अमेजिंग इयररिंग हैंगर बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मॉस्किटो रैकेट की। जी हाँ, मॉस्किटो रैकेट। मॉस्किटो रैकेट से हम एक अमेजिंग इयररिंग हैंगर बना सकते हैं। अगर आपके पास मॉस्किटो रैकेट नहीं हो तो कोई भी रैकेट यूज कर सकते हैं, चाहे तो बैडमिंटन रैकेट हो या टेनिस रैकेट हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसे यूज करके एक सुंदर DIY ईयरिंग हैंगर बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे पास ये एक ओल्ड मॉस्किटो रैकेट काफी दिनों से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ DIY किया जाए। तो सबसे पहले हम ये ब्लैक एक्रेलिक कलर लेंगे और स्पॉन्ज की हेल्प से हम रैकेट को पेंट कर लेंगे। और देखिए, पेंट होने के बाद हमारा रैकेट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और इसे डेकोरेट करने के लिए हमने कुछ कलरफुल रोप लिए हैं इस तरह से, और कुछ हमने ऐसे डेकोरेटिंग मटेरियल लिए हैं, और कुछ ऐसे हमने कलरफुल फ्लावर लिए हैं डेकोरेट करने के लिए। और ग्लू की हेल्प से हम इन सभी को स्टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे DIY की तरफ। और फिर लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हॉट ग्लू की हेल्प से अब इसे हम स्टिक कर लेंगे। अब देखिए, स्टिक होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हॉट ग्लू की हेल्प से हम इन फ्लावर को भी इस तरह से स्टिक कर लेंगे।
अब हम ये कमांड स्ट्रिप लेंगे और इसे हम रैकेट को हैंग करने के लिए इसके पीछे स्टिक कर लेंगे। और इस तरह से हम इसे निकाल भी सकते हैं और जब चाहें तब हम यहाँ पर हम स्टिक भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर इसे हैंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, आपने देखा कि कैसे हम घर में रखी हुई पुरानी चीजों को रीयूज करके एक अमेजिंग इयररिंग हैंगर बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।